जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया उस लास्ट सेशन को, जिसमें मैं आप लोगों के साथ वर्ड पावर मेड इजी के वोकैब डिस्कस कर रहा हूँ। बट मैं सिर्फ यहीं पर नहीं रुकूंगा जी, वोकेबलरी अच्छे से आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर दैट वी कवर अप दिस थिंग, क्योंकि जीएस में तो अब मेरे को इतना कि यार 40 से 50 नंबर आराम से मेरा कोई भी स्टूडेंट ले सकता है, लेकिन मेरे को ये नहीं कि इंग्लिश में वो रह जाए। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक श्योर दैट द वोकेबलरी ऑल्सो इज ऑल्सो रीचेज टू दैट लेवल। उसके लिए चाहे जितना करना पड़े हम करेंगे, समझेंगे चीज़ों को और करेंगे। तो आज भी वर्ड पावर मेड इजी का एक चैप्टर में है, पाथ वर्ड पे, पैथी। आपने इस बारी पेपर में देखा हुआ सिंपथी एम्पथी पूछा था। इसके अलावा सिंपथी एम्पथी के बता एंटीपैथी भी है और एपथी भी है, वो उसी बुक में वर्ड्स दिए हुए हैं। तो ये पैथी वाले वर्ड इवन पैथोलॉजी भी है जी। तो पाथ पैथी वर्ड रूट पे हम डिस्कस करेंगे। पाथ वर्ड भी अगर आप देखोगे तो इसके तीन मीनिंग्स हैं जो रूट वर्ड में बनते हैं। अगर आप पाथ वर्ड में एक सफरिंग देखोगे, एक पाथ वर्ड में बीमारी भी देखोगे और एक फीलिंग भी होगी। जहां पर आप सिंपथी एम्पथी बात करोगे तो वो फीलिंग की बात करेंगे, अदरवाइज बीमारियां जी। लाइक साइकोपैथिक, मेंटली सफरिंग। साइको तो आपको समझ आता है, साइकोलॉजी, साइको दिमाग। मेंटली सफर्ड, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर इज साइकोपैथिक। वर्ड याद हो जाएगा, एक अंदर खुशी मिलती है यार जब आपको एक वर्ड का रूट वर्ड मिलता है और आपको समझ आ जाता है यार वर्ड हो गया क्या। साइको वर्ड सुनते ही साइकोलॉजी साइको, तो वहीं से साइकोपैथिक। क्लियर है जी। इसी प्रकार ऑस्टियो, आपने पढ़ा हुआ ऑस्टियो मलेशिया, सभी ने ऑस्टियो हड्डियों के लिए कहा जाता है। तो ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन स्केलेटन एंड मसल्स, अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन इन्वॉल्विंग द ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल डिसऑर्डर्स, तो वो है जी ऑस्टियोपैथी। आपने टेलीपैथी भी सुना होगा, आजकल रिसेंटली वर्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है न्यूज में। टेलीपैथी मीन्स ट्रीटमेंट थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस, जहां से टेलीफोन है टेलीपैथी, मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से आप सीधा फोन पे बात करके अपनी मेडिसिन लिखवा सकते हैं, ये चीज उसको टेलीपैथी कहते हैं। तो ऑस्टियोपैथी इज ट्रीटमेंट ऑफ द स्केलेटन्स। सिंपथेटिक, हैविंग द सेम फीलिंग। सिंपा वर्ड भी यही होता है जी, सिम्बायोटिक रिलेशन भी होता है कि आपस में दोनों का समझौता। इसी प्रकार सिंपथेटिक मीन्स सेम फीलिंग एज समवन एल्स, दैट इज सिंपथेटिक। नेक्स्ट वर्ड है जी एम्पथी, अबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर। ये बहुत जरूरी है, एम्पथी और सिंपथी में फर्क। आप दूसरे बंदे के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उसकी फीलिंग है, उसको सफर जो वो सफर कर रहा है उसको आप खुद में लेके सोच रहे हैं, इतना एक्सट्रीम लेवल पर आप उसकी समझ रहे हो, उसको अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम्स को, फीलिंग्स को। सिंपथी होता है भाई फीलिंग, मतलब उसको फील करना, बट उसको सिर्फ दूर से उसके साथ सिंपथी रखना, दोनों में फर्क है। एम्पथी तो क्लियर हो गया जी। अबिलिटी टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करना उसको, अपने अंदर लेके उसको अंडरस्टैंड करना, उसको एम्पथी कहते हैं। अब एंटीपैथी क्या है? प्रॉपर डिसलाइक, एंटीपैथी। पैथी मीन्स फीलिंग, बिल्कुल ही एंटी है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी एक तरह की। तो आप देखना मिल जाते हैं हॉस्टिलिटी टुवर्ड समवन इज एंटीपैथी। एपथी, फीलिंग है ही नहीं। एंटीपैथी तो एंटी हो गया ना, एंटी वर्ड हमेशा ऑपोजिट होता है। एपथी मीन्स नो फीलिंग, लैक ऑफ फीलिंग और इंटरेस्ट इज एपथी। आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड। इवन इस बारी पेपर में एंटीपैथी और एपथी भी आ सकता है, दोनों में फर्क। सिंपथी और एम्पथी में भी फर्क, ये दोनों आपको समझने पड़ेंगे। सो एपथी इज लैक ऑफ फीलिंग, क्लियर। एंटीपैथी फीलिंग ऑफ एनिमोसिटी, अंदर दूसरी भावना। पैथोलॉजी सुना हुआ, स्टडी ऑफ डिसीजेस। पैथोलॉजी आपने एमडी पैथोलॉजी में की हुई है, वो पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो बीमारियों को, टेस्ट को देखते हैं। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट पैथोलॉजी ऑल्सो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन देन। पैथेटिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। पिटी कंडीशंस, जिसको आप कहते हैं कि पिटी, दया। पैथेटिक कंडीशंस, पैथेटिक कंडीशंस ऑफ दिस एनवायरमेंट, उसके हालात पैथेटिक है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, बहुत ज्यादा खराब हालात है, उसको पैथेटिक कहते हैं। पैथोस, अ क्वालिटी दैट अराउजेस इमोशंस,
क्लियर है जी। एथोस होता है, पैथोस होता है लोगोस होता है। एथोस होता है क्रेडिबिलिटी पे, पैथोस होता है इमोशंस पे, ये भी याद रखना पड़ेगा जी। और लोगोस होता है लॉजिक पे। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर। पैथोस मीन्स दैट अराउजेज इमोशंस, पिटी और सोरो इमोशंस इज दिस पैथोस। टेलीपैथी इज बेसिकली अ कम्युनिकेशन फ्रॉम वन माइंड टू अनदर एट अ बिग डिस्टेंस, विदाउट कोई दूर से आप, विदाउट हैविंग दिस कम्युनिकेशन, ऐसा कि आप इजीली दूसरे तक कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। होम्योपैथी ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीजेज के लिए होम्योपैथी है जी। लार्ज अमाउंट ऑफ हेल्दी पीपल प्रोड्यूस सिम्टम्स सिमिलर टू दोज बीइंग ट्रीटेड। एलोपैथी आपकी मेडिसिन विद रेमेडीज दैट प्रोड्यूस इफेक्ट्स डिफरिंग फ्रॉम दोज प्रोड्यूस्ड बाय द डिसीज इटसेल्फ। भाई इनमें भी होम्योपैथी और इन दोनों में भी फ़र्क है, मैं तो हैरान हूँ। मैं तो सोचता था मेडिसिन सिस्टम है। मेथड ऑफ ट्रीटिंग द डिसीज विद सम अमाउंट ऑफ रेमेडीज दैट इन लार्ज अमाउंट इन हेल्दी पीपल एंड प्रोड्यूस सिम्टम्स सिमिलर टू दोज बींग ट्रीटेड। एलोपैथी में क्या होता है, ट्रीटिंग डिसीज विद रेमेडीज दैट प्रोड्यूस इफेक्ट्स डिफरिंग फ्रॉम अदर प्रोड्यूस बाय द डिसीज इटसेल्फ। ये सिम्टम्स को ठीक करता है, वो जड़ से मुकाता है होम्योपैथी, वो बंदे के अंदर से। ये थे जी हमारे पैथी वर्ड्स, जहाँ पर सिंपथी, एम्पथी, एपथी, एंटीपैथी, सबसे इम्पोर्टेंट है सिंपथेटिक भी समझ आ गया यार। क्लियर मीनिंग आपको सिंपथी तो समझ आ गया, सिंपथेटिक मतलब सेम फीलिंग रखना एज समवन एल्स। एम्पथी होता है भाई, समझ आ रही बात, उसको अपने तक लेके बैठना, सबसे एक्सट्रीम होता है एम्पथी। तो ये थे वर्ड्स, हमने पैथी पे वर्ड कवर किए सारे, हो सके तो इनको समझिएगा, अगर हो सके तो वर्ड बुक को पढ़िएगा। बुक पढ़ना काफ़ी आपके लिए लाभदायक होगा प्रिपरेशन के लिए। जो लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, दैट विल डेफिनेटली एड अप योर नॉलेज। नाउ आई नीड टू अनाउंस यू द कंप्लीट बैच कोर्स फॉर 2023 CAPF, जिसका नाम है जज्बा, इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15 सितंबर। आई विल बी टेकिंग अप द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री विद यू पीपल। देन यू हैव अ 20% ऑफ, आज आखिरी दिन है। अगर आप में से कोई भी सब्सक्राइब करना चाहता है CAPF कैटेगरी में या CDS कैटेगरी में, दिस इज द लास्ट डे, राइट, आज 12 बजे तक ऑफर है अभी, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 20% ऑफ है CDS FCAT सब्सक्रिप्शंस पे। यू कैन जस्ट ज्वाइन बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड प्रतीक तक्षला। ये रेफरल कोड लगाइए और सब्सक्राइब करिए एंड गेट 20% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।